डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात रेशियो पर। आपने कई तरह के सवाल देख लिए, अभी और कुछ तरह के सवाल हम लोग देखेंगे। रेशियो बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। अगर यह चैप्टर आपको ठीक से तैयार हुआ तो लगभग पाँच पाँच चैप्टर पर आपका कमांड हासिल हो जाएगा। अनुपात, समानुपात, साझा, मिश्रण, मिश्र समानुपात, इतने सारे चैप्टर्स के सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया तब। इसमें आप जानते होंगे मुख्यतः पैसा बांटने का काम बेहतर होता है, है? कोई अनुपात दिया जाएगा तो कहा जाएगा पैसा बांट दो, या अलग अलग अनुपात देकर कह दिया जाएगा। तरह तरह के सवाल बनते हैं, आइए कुछ तरह के सवालों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहले धन का वितरण कैसे होगा उस पर चर्चा करें। मे बी अनुपात चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। कल क्लास हुई थी, कुछ तरह के सवाल इसमें हो चुके थे, कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे कोई संख्या है, एक सवाल देखो मैं लिखता हूं, 1170 रुपए को ए बी सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 में बांटना था। गलती से उसे 2/3/4 में बांट दिया गया। अब प्रश्न ये है कि किसको सर्वाधिक लाभ हुआ। अब देखो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हो गया, इसको सर्वाधिक लाभ हुआ पूछा जा रहा। लाभ हुआ एक प्रश्न में दो प्रश्न कैसे हो गया? देखो पहले तो आप उस रुपए को इस रेशियो में बांटेंगे, बात एक, फिर उसी रुपए को इस अनुपात में बांटेंगे, बात दो हो गई। उसके बाद यह देखेंगे दोनों में ज्यादा किसको लाभ मिल गया। आओ समझते हैं, छोटा सवाल है, लगाने का तरीका आप देख लो। देखो जैसे हमारे पास ए बी सी आया और कहा गया भाई 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में बांटा जाए, तो आप जानते हैं इस अनुपात को जब कभी भिन्न में कोई अनुपात आ जाए तो उसे सरल अनुपात बनाने के लिए उसमें उनके लघुत्तम से गुणा करना चाहिए। तो 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 होता है, हमने दोनों में तीनों में 12 से गुणा कर दिया। जब हमने 12 से गुणा कर दिया तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, यानी यही रियल अनुपात था। इस अनुपात में पैसे को बांटा जाना चाहिए था। और बांट कर देखा जाए, जोड़ेंगे इसको 6, 4, 10, 3, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसको 1170 के लिए, 13 × 9 = 170, 90 हो गया। आप समझ पा रहे हैं पैसा बांटने के लिए कुछ तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके में से हम तीनों का अभी चर्चा करेंगे, ये सवाल हो जाने दीजिए। तीनों चर्चा होने के बाद में देखो ये तीसरा और मौखिक तरीका बता रहा हूँ कि जब भी कभी अनुपात सामने आए तो इनके अनुपाती योग पहले करना चाहिए, 6, 4, 10, 3, 13। अब 13 का माने पढ़ा पढ़ा 117 के लिए, 13 × 9 = 117 हुआ, तो 0 लग वजह से 90 बन गया। अब 90 का गुणा करें 6 से, 9 × 6 = 54, 540, 9 × 6 = 36, 360 और 9 × 3 = 27, 270, इतना इतना रुपया इन्हें मिल जाना चाहिए था। लेकिन मिला कितना आओ जरा देखा जाए। ए बी सी इनको मिला है 2/3/4 के हिसाब से बांट दिया गया, गलती से बांटा गया। तो अब उसी पैसे को जरा इस अनुपात में बांट कर देख लिया जाए। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 4, 3, 7, 2, 9 और 9 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो ये होगा 13, यानी 130 आ जाएगा। अब 130 का गुणा करते जाएं, 130 × 260, 130 × 3 = 390, 130 × 4 = 520। पूछा गया सर्वाधिक लाभ किसे मिला। आप ध्यान से देखें, एक बंदा जो सी है उसे मिलना चाहिए था 270 रुपया और मिल गया उसको 520 रुपया। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा लाभ सी को प्राप्त हुआ, सी को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। क्या करना पड़ा,
हमने पहले अनुपात को सरल अनुपात बना दिया, सरल अनुपात में करके पहले पैसे बांट कर देख लिया। अगर सर्वाधिक नुकसान पूछा जाता तो आप सर्वाधिक नुकसान ए को कह सकते हैं, क्योंकि ए को 540 मिलना था, ए को केवल 260 मिल पाया, केवल जरा सी गड़बड़ी हो गई, अनुपात वो नहीं समझ पाया लड़का, और इस वजह से इतनी गलती पाई गई। आप देख सकते हैं सवाल की प्रकृति क्या है, है ना, ऐसे करके सवाल है। तो मैं आगे लेता हूँ, कोई एक उदाहरण लेकर के मैं बताने की कोशिश करता हूँ तीन तरह से पैसा कैसे बांट दिया जाएगा। तो चलो लेते हैं, ए बी सी में हम बांटते हैं 3:4:5 में, मान ली हमको बांटना है, और हमने यहाँ ले लिया 18,000 रुपये को ले लिया, 18,000 रुपया है, और 18,000 रुपये को हमें 3, 4, 5 में बांटना है। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि भाई धन गुणा अनुपात बटा अनुपाती योग, एक तरीका ये है अनुपाती योग, यानी रेशियो अपान समाप रेशियो किया जाए तब भी यह पैसा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ए को क्या मिलेगा, मैं कहूँगा भाई 18,000 है गुणा ए का अनुपात 3 है और बटा 5, 4, 9, 3, 12, 12 से आप इसमें भाग दे दें, 12 × 12, 12×5=60, 1500 आ गया, तो ये हो गया 4500 रुपया। ऐसे बी के पास आएंगे, ये हो जाएगा 18,000 गुणा 4/12 काटने पर वही 15 आएगा, यानी 15×60 6,000 रुपया। और सी को क्या मिलेगा, 18,000 गुणा 5/12, 12 काटेंगे 15×5=75, 7,500 रुपये। तो अब आप इनको जोड़ कर देखेंगे, 7×6=13, 13×4=17, इसको आधा आधा जोड़ के 18, पूरा का पूरा पैसा आपके सामने है, आप इन्हें जोड़कर चेक भी कर सकते हैं, पूरा पैसा आराम से बट गया। तरीका नंबर एक, क्या तरीका हुआ, धन गुणा अनुपात बटा अनुपात योग, ये हुआ पहला तरीका। अब अगर हम तरीका नंबर दो पर बात करें तो तरीका नंबर दो, इसको एक्स कह दिया जाता है, भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनको हमने 2, 4, 5, 2 नहीं 3 है, देखो 3, 4, 5 का रेशियो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x, 4x और 5x, इन सबको जोड़ करके कहा जाए तो हम कह सकते हैं भाई ये सब जोड़ करके 18,000 तो हो ही गया। अब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 12x = 18,000, तो बताओ x बराबर क्या हुआ, 12×5=1500 रुपया। अगर x की वैल्यू 1500 आ गई है तो a को क्या मिलेगा, a को मिलेगा 3x, यानी 3×1500, है ना, b को क्या मिलेगा 4x, यानी 4×1500, और c को क्या मिलेगा 5x, यानी 5×1500। ये है मामला जो कि आसानी से उत्तर बताया जा सकता है, पैसा बांटा जा सकता है। दो बातें हो गई आपके पास। अब एक तरह का ऐसा सवाल आपने देखा होगा, जैसे दो अनुपात लिया और उनको मिलाकर तीसरी चीज बना गया, दोनों को एक बर्तन में डाल दिया गया, शायद कल एक सवाल ऐसा हुआ भी था, कुछ और एग्जाम्पल उस पर करना जरूरी होगा। देखो कि दो अलग अलग अनुपातिक चीजों को, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिख कर दिखाऊं आपको तो समझ में आएगा, ए तथा बी दो मिश्र धातुओं में सोना तथा तांबा का अनुपात क्रमशः, सोना तथा तांबा का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा कितना कर लें 4:1 है, तो ज्यादा ही कम हो जाएगा, है 4:3 का है। यदि दोनों की समान मात्रा को मिलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई जाए तो उसमें सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। यह है सवाल। अब आप देखो कि
सवाल का तरीका तो आपने देख ही लिया, ऐसे कई सवाल आपने देखे होंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो। ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। लगाने का तरीका मैं बताऊं आपको, ए और बी है, इनका अनुपात है 3:2, इनका अनुपात है 4:3, इनकी समान मात्रा मिलाई गई है। देखो इसको लगाने के दो रास्ते बता दूं पहले। एक रास्ता ये है, इसको फ्रैक्शन बना दो आप, समान मात्रा मिलाया गया तो बताओ ए में सोना कितना है। अगर हम बात करें तो सोना है कितना, 3/5 अनुपात बटा अनुपात योग, और तांबा कितना है, 2/5। इसमें देखा जाए सोना कितना है, 4/7, और तांबा कितना है, 3/7। और जब आप मिलाओगे तो ये सोना और ये सोना एक साथ हो जाएगा, ये तांबा एक साथ हो जाएगा, और आराम से जोड़ करके उत्तर दे सकते हैं। चलो जोड़ा जाए, 5 और 7 का लघुत्तम हुआ 35, 5 × 7 = 35, 7 × 21, और 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 20, ये हो गया 41/35। ऐसे ही अगर इसको हम जोड़ें तो यहाँ भी 35 लघुत्तम हुआ, 5 × 7 = 35, 7 × 2 = 14, और 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, ये हो गया 29/35। अब आप जानते हो 35 35 कट जाएगा, आपका उत्तर बन गया 41:29। क्या बन गया, 41:29 आपका उत्तर आया, कि जो नई धातु बनकर तैयार हुई उसमें यह रेशियो लगा दिया जाएगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन वाला तरीका है ना, थोड़ा मुश्किल तरीका है, कठिन है और टाइम टेकिंग भी है। अगर इसको हम लोग लघुत्तम से कन्वर्ट कर ले जाए तो यह काम नहीं करना पड़ेगा और कम समय में वह काम हो सकता है। और देखते कैसे, जैसे ए और बी हमारे पास है और यहाँ 3:2 था, यहाँ पर 4:3 था, और 3 को जोड़ो अभी के अभी, 3 × 2 = 5, 4 × 3 = 7, 5 × 7 का लघुत्तम 35। मैं मान लेता हूँ यह भी धातु 35 है और यह भी धातु 35 है, 35 35 मात्रा हम दोनों के मिला रहे हैं, तो 35 को आप 3 2 में बांटोगे, ऐसे मौखिक बांट सकते हो, 3 × 2 = 5 × 7 = 35, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 4 × 3 = 5, 5 × 1 = 20, 5 × 3 = 15। अब ये फायदा मिल गया कि 21 और 20 यहीं जोड़ सकते हैं और 14 और 15 यहीं जोड़ सकते हैं, और आपका उत्तर सीधे 41:29 तुरंत का तुरंत हो गया। ये तरीका आपका सबसे बेहतर तरीका है, एक तरीका ये हो गया। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसी को उल्टा करके सवाल बना देते हैं। उल्टा करके बनाएं कैसे, दो अलग अलग धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये नया अनुपात प्राप्त हो जाए, ऐसा भी सवाल बनता है। मैं दिखाता हूं आपको, है ना, सवाल देख लीजिए तो वो पता चल जाएगा ना कि कितने कितने प्रकार के अनुपात बनते हैं और कैसे हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। देखो सवाल ऐसा बनता है कि हम कहें कि दो बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 तथा 5:1 है, 3:1 तथा 5:1 है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अनुपात 4:1 हो जाए। देख रहे हैं आप, कहना ये चाहते हैं एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 3:1 के रेशियो में है, दूसरा मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 5:1 के रेशियो में है, उन दोनों को लेकर एक हम तीसरे बर्तन में गिराने जा रहे हैं और पूछ रहा किस अनुपात में मिला दे। मैं बताऊं, एक्चुअली आप मिलाने कोशिश करो, फिजिकली नहीं मिला पाओगे, गणित का सहारा लेंगे तभी लगा पाएंगे, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। मान लो जांच की मशीन भी आपके पास हो, इस गिलास में थोड़ा सा गिराया, इस गिलास में थोड़ा सा गिराया, फिर जांच किया, फिर थोड़ा सा मिलाया, फिर नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन गणित एक ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम तरीका बता देगा कि कौन सा तरीका मिलाया जाए कि वह अनुपात बन जाए। और देखते हैं इसको लगाने का तरीका हुआ, मान लो इस मिश्रण का नाम ए है, इस मिश्रण का नाम बी है, इसका रेशियो दिया हुआ 3:1, इसका दिया हुआ है 5:1, हमें बनाना क्या है 4:1। अब देखो अगर मिश्रण का तरीका तो आपको मालूम होगा, ये वाला ऐसे घटा के लिखा जाता है, ये वाला ऐसे घटा के लिखा जाता है, परंतु ये ऐसे घटाएंगे कैसे, अनुपात कैसे घटाया जा सकता है। अनुपात घटाने का तरीका ये है कि किसी एक को आप सब्जेक्ट बना लीजिए अपना, जैसे मान लो दूध को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं, इसमें दूध कितना है, 3/4 है,
इसमें दूध कितना है? 5/6 है। इसमें दूध कितना है? 4/5 है। बताओ बना कि नहीं बना? इसमें दूध है अनुपात बटे अनुपात योग, इसमें दूध है 5/6, इसमें दूध ही है। ध्यान रखना होगा हमने दूध पर यह बनाया है, अगर मैं चाहूँ तो पानी पर भी बनाऊंगा तब भी सेम आंसर आएगा। अभी करके दिखाता हूँ, पहले तो आंसर देख लिया जाए। इसको इसको अगर हम घटाते हैं तो अंतर क्या आएगा? घटाने का तरीका देखो, 5 3 15, 4 4 16। ध्यान से देखो, 5 3 15, 4 4 16, 15 16 का अंतर एक आया, 1/20 आ गया। अब चलो इसको घटा दें, 5 5 25 और 6 4 24, 25 और 24 का अंतर एक आया, तो 1/30। 30 कहाँ से आ रहा है? इनके हरों का गुणनफल है। तो बताओ 1/30, 1/20, इनका लघुत्तम 60 होगा। 60 से अगर हम गुणा कर दें इनको तो हमारा उत्तर बन गया 30 2 60 और 30 20 3 60। ये हमारा उत्तर बन गया 2:3, हमारा उत्तर बनकर आ गया। ये तरीका है आपको सब्जेक्ट बनाने का। इसको मैंने बताया कि अगर आप इसको दूध को आपने इसको हीरो बनाया है, अगर मान लीजिए आपने पानी को अगर हीरो बनाया होता यानी सब्जेक्ट बनाया होता तब भी सेम आंसर आता, जरा सा भी बदलाव नहीं होने वाला था। आओ एक सवाल करके दिखाते हैं। यह है 3:1, यह है 5:1 और यह है 4:1। अब जरा बताओ इसमें पानी कितना है? 1/4 है। इसमें पानी कितना है? 1/6 है। इसमें पानी कितना है? 1/5 है कि नहीं? अब देखो, अब की बार पहले हमने यहाँ दूध को सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पानी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। आओ घटा कर देखा जाए, 5 1 5, 4 1 4, 1/20 यहाँ भी आया। इसको घटा के देखो, 5 1 5, 6 1 6, यानी कि 6 में से 5 घटा, 1/30 आया। एकदम सेम आंसर है, फिर 60 से हम गुणा कर देंगे और तुरंत हमारा उत्तर बन जाएगा 30 2 60 और 20 3 60, हमारा उत्तर बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देख लिया कि जब कभी 2 अनुपात आ जाए, उन दोनों अनुपातों को मिलाकर एक तीसरे प्रकार का अनुपात चाहिए, ऐसा सवाल बन जाए तो भी आपका यह रास्ता बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह बात आपको एकदम ठीक से समझ में आ गई होगी। आय, अब ऐसे सवाल कुछ बनते हैं अनुपात चैप्टर में, इसको कहते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय, आय व्यय में क्या होता है कि कुछ जानकारियाँ ऐसी दी जाती हैं, आय का अनुपात ये है, व्यय का अनुपात ये है, और यदि प्रत्येक इतना बचाता है तो कितना था अनुपात, ऐसा करके सवाल बनता है। तो ऐसा भी सवाल बनता है, कुछ उसी में घुमावदार भी सवाल बनते हैं। और एक सवाल जो मुझे तत्काल याद आ रहा है, मैं पहले उसको बताऊं, तो मैं एक सवाल लिखता हूं, देखो, ABC की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा उनके व्यय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, चौथाई है, तो उनकी बचत का अनुपात बताइए। तो उनकी बचत का अनुपात बताइए, उनकी बचत का अनुपात बताइए। सवाल ध्यान से देखें, हमने लिखा है ABC की आय का अनुपात है 7:9:12 तथा उनके व्यय का अनुपात है 8:9:15। यदि ए की बचत उनकी आय का 1/4 है तो बताइए आप उनके बचत का अनुपात क्या होगा। अगर हम इसको लगाने का प्रयास करें कैसे लगा सकते हैं, देखो हम पहले लिखेंगे ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, थोड़ा थोड़ा दूर करके लिख रहे हैं, ABC हमने लिख दिया, और इनमें आय, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आय, आय है इनका 7:9:12, ये है अनुपात इनकी आय का। अब अगर हम व्यय का अनुपात करें तो व्यय का अनुपात बन रहा है 8:9:15। ध्यान रखिएगा जब कभी दो प्रकार का अनुपात कहीं आ जाता है, दो प्रकार का, देखो यहाँ पर आय का अनुपात है, यहाँ व्यय का अनुपात है, 2 अनुपात आ जाए तो आपको 2 तरह का वेरिएबल लेना पड़ेगा, यानी x भी लेना पड़ेगा, y भी लेना पड़ेगा, अथवा a और b लेना पड़ेगा, यानी आपको वेरिएबल 2 प्रकार का लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिया 7x 9x 12x, इनको ले लिया मैंने 8y 9y और 15y। बताओ हमारे सामने आय है, हमारे पास व्यय है, बचत का अनुपात पूछा जा रहा है, तो अगर हम 7x में से 8y घटा दें तो 1 की बचत आ जाएगी,
ऐसे ही 9x में से 9y घटा दे तो b की बचत आ जाएगी, और 12x में से 15y घटा दे तो भी c की बचत आ जाएगी। लेकिन घटाएंगे कैसे? यह घटाने के लिए उन्होंने एक जानकारी दे दिया है यहाँ पर कि a की बचत उसकी आय का 1/4 है, तो उसका काम हम यहाँ कर सकते हैं। देखो हमारे हिसाब से a की बचत क्या है, हमारे हिसाब से a की बचत है 7x-8y, ये हमारे हिसाब से a की बचत है। वो कह रहे हैं a की बचत है उसकी आय का 1/4, बताओ a की आय क्या है 7x, और 7x का 1/4 उसकी बचत कहा जा रहा। तो हमारे हिसाब से ये बचत है, उनके हिसाब से ये बचत है, दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो x y का हम रेशियो निकाल ले जाएंगे। आओ देखें, 4 अगर मैं इधर ले गया तो 4 7 28x-4 8 32y और बराबर ये हो जाएगा 7x। अब हम 7x इधर लाएंगे और 32y इधर ले जाएंगे। अगर हम 7x इधर लेकर आए तो ये हुआ 21x, ये हुआ 32y। तो अगर हम y इधर लाएं, x बटा वाई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32/21, 32/21 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जहां कहीं पर x लिखा है वहां पे हम 32 लिख सकते हैं, और जहां कहीं y लिखा है वहां पे हम 21 लिख सकते हैं। आओ लगाते हैं इसको। अगर ऐसा हमने किया तो यहाँ 7x लिखा है, x जगह अगर हम 32 लिखते हैं तो यह इसका मतलब हुआ कि 7 × 32 करना पड़ेगा। 7 × 32 कर लो तो 7 × 2 = 14, हासिल 1 7 = 21 = 22, ये हुआ 224। 9 का गुणा कर सकते हो आप, 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27 = 28। हम क्या किए, 9 × 32 हमने किया, 12 का गुणा हम 32 से कर सकते हैं, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 = 2 = 38। ये हुआ, तीनों की आय अलग भाव में दिखाई पड़ रही है। ऐसे अब हम y के जगह पे 21 लिख देंगे, तो 21 लिखेंगे तो 21 8 168, देखो 8 × 8 = 16 168, 21 × 9 = 189 और 21 × 15 करेंगे, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 31। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास आय भी दिख रही है, व्यय भी दिख रहा है। अगर हम आय में से व्यय को घटा दे तो निश्चित रूप से हमारी बचत आ जाएगी। आओ घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 6, और यहाँ बचेगा 11 में से 6 घटाएंगे 5, हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ही हम 18 में से 9 घटाएंगे 9 आएगा, और 17 में से 8 घटाएंगे यहाँ भी 9 आ जाएगा, और हम यहाँ घटाते हैं 14 में से 5 घटाएंगे 9 और 7 में से 1 घटाएंगे 6, तो हमारा ये भी आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, उनकी बचत का अनुपात बताइए। आप जरा ध्यान से देखिए, आय में से व्यय हमने घटाया है, बचत हमारे सामने है, मैं कह दूंगा ये हमारे बचत का अनुपात है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इस तरह का सवाल आप ठीक से देख पाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा लगाना, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। तो आय व्यय के सवाल ऐसे बन सकते हैं, बाकी जो दूसरे प्रकार के होते हैं इससे ही आसानी होंगे। मतलब ये उसका एक मुश्किल सवाल है, हम जानबूझकर ऐसा सवाल कर रहे हैं, इससे आप उसको अभ्यास कर लेंगे तो आपको तमाम छोटे सवाल करने की जरूरत भी ना पड़ पाएगी, है ना, इतने आसानी से सवाल कर पाएंगे। अब देखिए एक और सवाल आपको मैं बताता हूँ, जैसे पैसे को बांटना है तो उसका एक क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है, कि एक क्रिटिकल कंडीशन में पैसा हम बांट के दिखाते हैं आपको। देखिए सवाल, देखिए सवाल है, 600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा C के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हो। तो बांट दिया तो ए को क्या मिलेगा, ए को कितना धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। अब आप में से जो भी सवाल लगाना जानते होंगे अब समझ रहे हैं कि सवाल की प्रॉब्लम क्या है, कि हमको ए बी सी दिया गया है और तीनों अलग अलग बातें दी हैं, तीनों को हमें पहले एक मात्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद उत्तर देना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप इसको आराम से लगाते चले गए तो आपके अंदर एक खास एकाग्रता की भावना प्रकट होगी। इस सवाल को लगाते समय हम कितना एकाग्र हो सकते हैं, फोकस कितना कर सकते हैं। अगर कहीं फोकस में गलती आई तो सवाल भी गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल का कहना कैसा है, आओ देखते हैं। सवाल देखिए, कह रहा कि ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक प्लस 40। फिर कहा जा रहा है बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक, और फिर कहा जा रहा है सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक। परस्पर बराबर हैं, बराबर हैं, ये दिया गया। यानी हमने ये पहले लेके यहाँ तक जो सवाल किया है दो लाइन ऊपर वाली, उसको देखो गणित में मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब इन चीज़ों को हमें सॉल्व करना है, एबीसी की वैल्यू बतानी है, तो हम बराबर इसको कह सकते हैं के, एक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम ए को बी को सी को के में कन्वर्ट करेंगे और तब सबको जोड़कर निकालेंगे उत्तर, आओ देखा जा। तो बताओ जरा ए की वैल्यू क्या हो सकती है। पहले हम 40 उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा के माइनस 40, और ये 2/5 उधर जाएगा तो 5/2 बन जाएगा। ऐसे ही हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 पहले वहां जाएगा, ये बनेगा के माइनस 20, और ये 2/7 क्या बन जाएगा, 7/2। और जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा के माइनस 10, और ये 9/17 वहां जाकर क्या बन जाएगा, 17/9। जब इतना बन जाएगा तो इन्हें आपस में गुणा करना होगा। देखो जब हम गुणा करेंगे तो 5k/2 और माइनस 40 का जब हम 5/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100। ऐसे ही इसको जब हम बदलेंगे तो 7k/2 और माइनस 2 × 2 = 70 आ गया, और ये हो जाएगा 9/17k/9 और माइनस 170/9। आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने सवाल को सारी एबीसी की वैल्यू को के में हम कन्वर्ट कर ले गए। कन्वर्ट करने के बाद अपान वन तो कर ही देंगे भाई, कर देंगे। अब इन सबको जोड़ के हमें 600 लिखना है, आओ जोड़ा जा। तो हम एक लघुत्तम लेते हैं बड़ा सा, और देखो यहाँ 9 है आधार पे बेस पर, और यहाँ 2 है, 9 और 2 का लघुत्तम 18 निकाल सकते हैं। चलो जोड़ा जा, तो 2 का पहाड़ा पड़े 18 के लिए, 2 × 9 = 18, 9 × 5 = 45 के हो जाएगा, प्लस फिर से करेंगे 2 × 9 = 18, 9 × 7 = 63 के होगा, और फिर प्लस 9 × 2 = 18, 17 × 2 = 34 के होगा, अब फिर माइनस होगा क्योंकि ये सारी गिनतियां माइनस वाली हैं, तो हम माइनस ले लेकर करके और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो सब बन जाएगा प्लस में। चलो 1 का 18 करेंगे, 18 × 100 = 1800 हुआ, और ऐसे ही प्लस करेंगे 1 तो 18 × 7 = 26, 126, 1260 हो जाएगा। और अगर हम 9 का पारा पढ़ें तो 9 × 18 तो 17 × 34, 340 हो जाएगा। और इन सब को जोड़ करके अब हम 600 यहाँ लिख सकते हैं। देख लो सारी वैल्यू अब हमारी के में आ चुकी है, सबको जोड़कर हमने 600 लिख दिया। काहे लिख दिया, क्योंकि हमें 600 रुपया को ही बांटना था। तो अब चलो जोड़ा जाए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो जोड़ो, 4 × 3 = 7, 5 = 12 हासिल 1, 4 × 6 = 10, 4 = 14, 142 के माइनस, इन सब को जोड़ेंगे 0 0 0, 4 × 6 = 10, 0 एक आया, तो ये हुआ 4 × 2 = 6, 8 = 14, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 3, 3400 बराबर। ये जो 18 है उस साइड जाएगा तो 600 से गुणा करेगा, 18 × 6 = 108, ये हो जाएगा 10800। अब अगर -3400 उधर लेकर जाए तो ये बन जाएगा 142 के बराबर, ये 3400 उधर जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 142 00, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 100। आप देख सकते हो कितना बड़ा सवाल था। तो आपको के की वैल्यू समझ में आ गई, जब के की वैल्यू समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, हमको ए का मान बताना था। देखो कह रहा है ए को कितना धन प्राप्त होगा, तो ए को तो यही धन प्राप्त होगा, देखो ए को यही धन प्राप्त होगा जो के संदर्भ में दिया गया है। तो अगर हम इस जगह पे के जगह पे 100 रख देंगे तो 100 में से 40 घटाएंगे 60 होगा, और 60 का 5/2 कर देना चाहिए बस। 60 का हम 5/2 करेंगे तो 2 से काटेंगे 30, और 30 × 5 = 150 हो जाएगा 150। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर बढ़िया से आ गया। भैया जी इसमें इतर तरह तरह के सवाल मिलेंगे, हम आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आएंगे। प्रैक्टिस में क्या होगा कि पुराने वर्षों में जो भी एग्जाम हुए होंगे उनके एग्जाम के सवाल लेकर के आएंगे, तरह तरह के सवाल। इस बीच में आपको भी खूब अध्ययन कर लेना चाहिए, उन सवालों को लगाने का प्रयास करना चाहिए। डरना तो बिल्कुल नहीं है, सवाल से डरना छोड़ देंगे,
डरेंगे तब तक वो डराता रहेगा, है ना। बहुत सारे लड़के भयभीत रहते हैं कि हम कैसे करें, गलत हो जा रहा उनसे, है ना। तो डरे नहीं, कोशिश करें, हम हैं आपके साथ में, प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि सवाल लिखा लिखाए मिलेगा, आप उसमें हमारे साथ अभ्यास करेंगे, अभ्यास करके अनुपात को ठीक से समझ जाइए। जितना बढ़िया समझेंगे आपको आने वाले 5 चैप्टर पूरा आनंद देते रह जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस के साथ में, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।